डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड के टॉपिक पे। दोस्तों ये जो लेक्चर है ये जनरल एक्सेप्शन पे और ये लेक्चर का पार्ट सेकंड है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन 76 को डिटेल में डिस्कस किया था और आज इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 77, 78, 79, 80 और वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जब भी कोई लेक्चर देखते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास उस वक्त बेयर एक्ट रखें और थोरोली बेयर एक्ट को पूरा देखें, क्योंकि जो मैं लेक्चर देता हूं टोटली वो बेयर एक्ट पे डिपेंड होता है। और तो और मैं उससे रिलेटेड जो भी डिटेल होता है, जो प्रोविजन से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो भी मैं डिस्कस करता हूं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास लेक्चर देखते वक्त बेयर एक्ट को जरूर रखें, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों लेक्चर प्लान से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के पहले सेक्शन पे। तो आज का पहला सेक्शन है पार्ट टू का, वो क्या है 77। तो 77 क्या कहता है इंडियन पेनल कोड का, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, दैट मींस कि अगर मान लीजिए जज कोई एक्ट कर रहा है ठीक है, तो वह एक्ट ऑफेंस होते हुए भी उनको डिफेंस मिल जाएगा, दैट मींस जज को ठीक है। तो कब, जब वो जुडिशियली दैट मींस ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ड्यूटी, तो ऑफिशियल आवर में जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए गए एक्ट को अपराध होते हुए भी उनको डिफेंस मिल जाएगा। बट शर्त क्या है कि उनको हर वो कंडीशन फुलफिल करना होगा जो 77 कहता है, क्लियर। तो पहला कि वो जो एक्ट हुआ है उनके द्वारा ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ऑफिशियल आवर ठीक है, जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं ठीक है, उस एक्ट को लेकर डिफेंस कब मिलेगा, जब वो एक्ट हुआ है जज के द्वारा गुड फेथ में, पहला पॉइंट ठीक है। तो गुड फेथ को डिफाइन किया गया इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 52 में ठीक है। गुड फेथ होता क्या है तो इसके लिए हम लोग 52 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड पहला। तो अब हम ये कब मानेंगे कि जो जज के द्वारा एक्ट हुआ है ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल आवर ठीक है, तो आखिर वो एक्ट जो है ऑफेंस कैसे हो रहा है। देखिए वो एक्ट है क्या, पहले ये समझिए कि मान लीजिए अगर जज प्रोसीड करता है इररेगुलरली ठीक है, दैट मींस कि देखिए यहां पे इररेगुलरिटी के ग्राउंड पे जज के एक्ट को ऑफेंस माना जा रहा है ठीक है। दैट मींस कि अगर मान लीजिए जज इररेगुलरली प्रोसीड करता है, दैट मींस कि यहां पे जो इररेगुलरली शब्द इस्तेमाल हुआ है ये भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है वो इररेगुलरिटीज जो विशिएट कर देता है प्रोसीडिंग ठीक है, क्लियर। और दूसरा इररेगुलरिटीज होता है जो विशिएट नहीं करता है प्रोसीडिंग्स को ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है कि जो इररेगुलरिटीज विशिएट कर देता है प्रोसीडिंग और वो इररेगुलरिटी जो विशिएट नहीं करता है प्रोसीडिंग्स ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है सीआरपीसी ठीक है। तो सीआरपीसी का सेक्शन देखना होता है सेक्शन 460 एंड 461 ठीक है, ये दोनों सेक्शन देखना होता है, क्लियर। तो यहां पे क्या हो रहा है, जज का कौन सा एक्ट को लेकर जज अपना डिफेंस मांग रहा है, जो एक्ट वो इररेगुलरली प्रोसीड किया है पहला, या फिर वो एक्ट जो जिससे क्या हो रहा है कि जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने को कहा गया था जज को बाय लॉ, उस जुरिस्डिक्शन को अगर एक्सीड कर रहा है तो भी उनको उनके द्वारा किए गए एक्ट का डिफेंस मिलेगा। शर्त क्या है यहां पे दोस्तों कि वो जो एक्ट हो रहा है जज के द्वारा वो गुड फेथ में होना चाहिए, क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 77 को लेके इंडियन पेनल कोड का वो यह है कि यहां जो जज को डिफेंस मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके ही डिफेंस मिलेगा। अगर मान लीजिए सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में जज एक्सीड कर देती है अपने पावर को, जुरिस्डिक्शन को ठीक है, जो उनको मिला है कंफर्म हुआ है बाय लॉ, गुड फेथ में ही क्यों ना एक्सीड करे ठीक है, अगर वो सिविल प्रोसीडिंग्स में ऐसा हो रहा है तो फिर जज जो है सेक्शन 77 का डिफेंस नहीं अवेल कर सकता है ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात को। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा सेक्शन 77। मान लीजिए जज ने कन्विक्शन कर दिया एक्यूज को, जज ने कन्विक्शन कर दिया एक्यूज को, कन्विक्ट कर दिया ठीक है, कन्विक्शन ऑर्डर पास किया और कन्विक्शन हो गया एक्यूज का। अब यहां देखिए जज ने जो कन्विक्शन ऑर्डर सुनाया ना एक्यूज के अगेंस्ट, इस कन्विक्शन ऑर्डर को पास करने का जज के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्लियर।
लेकिन फिर भी जज जो है उस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज किया जो उनके पास था ही नहीं, ठीक है। तो जब अक्यूज इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील करेगा तो अपना ये बात जज के अपना जो है ये बात दैट मींस की अपील में, ठीक है, अगर वो अपील के लिए जाता है तो अपील में, रिवीजन के लिए जाता है तो रिवीजन में, रेफरेंस के लिए जाता है तो रेफरेंस में, ठीक है। तो एक बात यहां और ध्यान दीजिए कि रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है क्रिमिनल केसेस में, क्लियर है, रिव्यू सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स में ही होता है, ठीक है। तो अब यहां अगर एक्यूज जो सुपीरियर कोर्ट में गया, चाहे वो बाय वे ऑफ अपील जाए, रेफरेंस जाए, रिवीजन के थ्रू जाए, तो यहां पे अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट तो अपील करेगा ही करेगा, साथ ही जज के कंडक्ट पे भी सवाल उठा देगा और जज को इस बात का पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन अगर जज ये साबित कर दे कि उसने गुड फेथ में एक्सीड किया था अपने ज्यूरिसडिक्शन को, ठीक है, क्लियर, या ठीक है गुड फेथ में ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड किया था या फिर वो इररेगुलरली प्रोसीड किया था गुड फेथ में, ठीक है, तो फिर जज को सजा नहीं होगी, जज को डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 77 के तहत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे सेक्शन 78 को, तो चलिए देखते हैं 78 क्या कहता है, करेंगे सेक्शन 78 पे। दोस्तों 78 पे आने से पहले आप एक एग्जांपल समझ लीजिए। पहले एग्जांपल क्या है कि आपने कभी देखा होगा कि जल्लाद जब फांसी दे रहा होता है तो क्यों नहीं उसको इस बात का सजा होता है कि क्योंकि उसके फांसी देने से तो वो किसी व्यक्ति का डेथ ही काउज कर रहा होता है, तो वो ऑफेंस ही कर रहा होता है, ठीक है, चाहे उसको आप मर्डर की कैटेगरी में ले आओ, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में ले आओ, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में कब आएगा, उसके द्वारा किया गया है जब वो कंडीशन जो दिया गया है 299 में उसको फुलफिल करेगा, और 300 में जो कंडीशन दिया गया है अगर उसको फुलफिल करेगा वो एक्ट, जल्लाद के द्वारा किया गया एक्ट, तो वो मर्डर की कैटेगरी में हो जाएगा, क्लियर। मेरा कहने का यह मतलब है कि जल्लाद जब फांसी दे रहा होता है तो वो भी तो अपराध कर ही रहा होता है, तो क्यों नहीं जल्लाद को उसके ऑफेंस का सजा मिलता है, क्यों नहीं मिलता ये देखिए, क्योंकि उसको 78 प्रोटेक्ट करता है सेक्शन इंडियन पेनल कोड का, ठीक है, क्योंकि उसको डिफेंस प्राप्त होता है 78 के तहत, ठीक है। अगर उस यहां डिफेंस प्राप्त होता है दैट मींस कि अगर उस पे इस बात का प्रोसिक्यूशन चला तो वो 78 का डिफेंस लेगा, क्लियर। लेकिन हम ये समझते हैं कि 78 में और क्या क्या बात है, ठीक है, देखिए पहला जो एक्ट हुआ है वो होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, तो दैट मींस कि पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट मींस कि जल्लाद जो फांसी दे रहा होता है वो जजमेंट ऑफ कन्विक्शन के अनुसार दे रहा होता है, ठीक है, पहला बात क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो एक्ट जल्लाद कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट, ठीक है, तो वो जजमेंट भी उस वक्त जिस वक्त जल्लाद एक्ट कर रहा है, ठीक है, उस वक्त वो जजमेंट ऑपरेटिव होना चाहिए, दैट मींस इनफोर्स होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जजमेंट जो है सीज्ड हो चुका है, ठीक है, जजमेंट का वैलिडिटी खत्म हो गया, उसके बाद उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर जल्लाद कोई एक्ट करता है तो उसका एक्ट ऑफेंस माना जाएगा और उस ऑफेंस के लिए उस जल्लाद को, ठीक है, डिफेंस नहीं मिलेगा 78 सेक्शन का, क्लियर, ये पहला शर्त हो गया, ठीक है। अब देखिए जो प्रोविजन है सेक्शन 78 का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैसे, देखिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोर्ट जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जल्लाद फॉर एग्जांपल वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो वह कोर्ट जिसने जजमेंट प्रनाउंस किया है उस कोर्ट को उस जजमेंट प्रनाउंस करने का ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है दोस्तों, कंडीशन क्या है ये समझिए कि जल्लाद को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जल्लाद को यह लगना चाहिए गुड फेथ में कि जिस कोर्ट ने जजमेंट पास किया है उस कोर्ट को उस जजमेंट को पास करने का ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, अगर उसको यह बिलीफ है गुड फेथ में, ठीक है, तो ही उस व्यक्ति को डिफेंस मिलेगा 78 सेक्शन के तहत, ठीक है, भले इन रियलिटी कोर्ट को जजमेंट पास करने का ज्यूरिसडिक्शन है नहीं, लेकिन वह बिलीव कर रहा है गुड फेथ में कि जजमेंट पास करने का कोर्ट को पावर है, ठीक है, और उसी आधार पर वो प्रोसीड करता है अकॉर्डिंग टू जजमेंट, ठीक है, तो उस आधार पर अगर एक्ट होता है उस जल्लाद के द्वारा तो फिर जल्लाद के पास सेक्शन 78 का डिफेंस होगा अगर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है तो, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है गुड फेथ में, ठीक है, पुलिस ऑफिसर क्या होता है कि कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को निर्देश दिया कि आप व्यक्ति को अरेस्ट करो, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, अब उस ऑर्डर के आधार पर अगर पुलिस ऑफिसर
व्यक्ति को अरेस्ट करता है, जिसको अरेस्ट करने का निर्देश कोर्ट के द्वारा हुआ है, तो क्या वह व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जो एक्ट हुआ है पुलिस ऑफिसर के द्वारा हुआ है इन पर्सुएंट टू, दैट मीन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हुआ है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। सेक्शन 78, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखो तो अपने पास बेयर एक्ट जरूर रखें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 79, और जानते हैं कि क्या कहता है 79। डिस्कस करेंगे सेक्शन 79 पे। दोस्तों 79 में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो एक्ट कर रहा होता है उसको यह लगता है कि उसके द्वारा किया गया एक्ट जस्टिफाइड है, ठीक है, या फिर उसको यह बिलीव होता है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो क्या है, जस्टिफाइड है। पहला में क्या था कि वो कर रहा है कि उसको पूरा यकीन है कि जस्टिफाइड है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है कि उसको यह लग रहा है, बिलीव है कि उसके द्वारा किया गया एक्ट जस्टिफाइड है बाय लॉ। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 79 में क्या क्या कंडीशन इसको पूरा करना आवश्यक है डिफेंस प्राप्त करने के संबंध में। सबसे पहला कि जो व्यक्ति 79 का डिफेंस लेना चाहता है उसको पहला कंडीशन यह प्रूव करना होगा कि उसके द्वारा किया गया जो एक्ट है, जो उसको लग रहा है कि जस्टिफाइड है बाय लॉ, वो होना चाहिए अंडर मिस्टेक, ठीक है। वो भी मिस्टेक का संबंध किससे होना चाहिए, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, ठीक है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ से। दैट मींस कि अगर कोई व्यक्ति एक्ट किया, ठीक है, अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो यह समझ रहा है कि उसके द्वारा किया गया एक्ट जस्टिफाइड है बाय लॉ, या फिर उसको अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट यह लग रहा है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसको इस बात की बिलीव है कि नहीं मेरे द्वारा किया गया एक्ट जस्टिफाइड है बाय लॉ, ठीक है, तो ही उसको डिफेंस मिलेगा 79 का। लेकिन और क्या शर्त है जिसको फुलफिल करना होगा कि वो जो एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। और जो चौथा है क्या कि जैसा कि हम बताएं कि उसको क्या लग रहा है बाय लॉ कि वो जस्टिफाइड है, या फिर खुद को बिलीव कर, खुद को यह बिलीव दिला रहा है कि नहीं हम जो एक्ट कर रहे हैं वो बाय लॉ जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अगर ये चारों का चारों कंडीशन पूरा हुआ, ठीक है, फुलफिल हुआ, तो व्यक्ति को, दैट इज पर्सन डूइंग एक्ट, उसको 79 का डिफेंस मिल जाएगा। दोस्तों आप इसको एग्जांपल से समझिए। आप इसको जब बेयर एक्ट देखते हैं, ठीक है, इंडियन पेनल कोड का बेयर एक्ट देखते हैं, तो उसमें एकदम आसान एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब बेयर एक्ट 79 जो इंडियन पेनल कोड का जो एग्जांपल है वो क्या है कि ए देखता है बी को, ठीक है, ए क्या हो रहा है, बी को देख रहा है, क्या देख रहा है, बी क्या कर रहा है, बी सी के साथ इंगेज है किसी एक्टिविटी में, ठीक है। ए देख रहा है बी को कि बी सी के साथ किसी एक्टिविटी में इंगेज है, और जिस एक्टिविटी में भी इंगेज है वह एक्टिविटी ए को क्या लग रहा है कि बी जो है सी का मर्डर कर रहा है, क्लियर, बी को मर्डरर मान रहा है ए, ठीक है। तो अब यहां पे ए क्या करता है, उसको यह लगता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का डेथ काउज कर रहा होता है तो यह व्यक्ति का दायित्व होता है कि वह उसको इस ऐसे काम करने से रोके, डेथ काउज करने से रोके। तो यह बिलीव करते हुए कि उसको यह पावर मिला है बाय लॉ, ठीक है, तो वो प्रोसीड करता है और बी को क्या करता है, कन्फाइन कर लेता है, ठीक है, उसको सीज कर लेता है ताकि बी को पुलिस के हवाले किया जा सके। लेकिन जब बी को पुलिस के हवाले किया जाता है, ठीक है, तो पता यह चलता है कि बी अपने सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट कर रहा था, जो एक्ट ए को लग रहा था कि बी सी का मर्डर करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या ए पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मुकदमा चलेगा, प्रोसिक्यूशन चलेगा, चला भी तो उसको 79 के तहत डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसको यहां पे लॉ जो एक्ट कर रही है ए के द्वारा जो एक्ट हुआ है वो एक्ट जस्टिफाइड माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं 79 का, तो इसके साथ हम लोग को 76 सेक्शन भी देखना होता है। यहां भी 76 में क्या होता है, पर्सन जो एक्ट कर रहा होता है अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो बाउंड होता है, और 79 में क्या है कि जस्टिफाइड माना जा रहा है एक्ट को, ठीक है। तो यहां पे 76 में देखिए, हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आपको और आसानी होगा समझने में, कि 76 में लीगल कंपल्सन का बात किया जा रहा है, ठीक है, लीगल कंपल्सन का, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 79 सेक्शन का, तो यहां पे क्या बात हो रहा है, लीगल जस्टिफिकेशन का, ठीक है। अब दोनों में और क्या अंतर है, देखिए 76 में एक्ट करने वाला व्यक्ति जो एक्ट कर रहा होता है, तो यहां पे 76 में एब्सेंस ऑफ मेंस रिया होता है, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, ठीक है, और 79 में मेंस रिया प्रेजेंस होता है, ठीक है। पर्सन जो एक्ट कर रहा होता है
वहां पे मेंस रिया होते हुए भी उसका एक्ट जस्टिफाइड है बाय लॉ, तो उसको डिफेंस मिल जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? एग्जांपल से हम लोग को क्लियर आसान से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ जो मैक्सिम पढ़ना होता है, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, इग्नोरेंसिया लेगिस नेमिनम एक्सक्यूसेट, ठीक है। दैट मींस कि इग्नोरेंस ऑफ जो फैक्ट है वो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन अगर कोई लॉ का इग्नोरेंस करे तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। क्लियर? तो 79 क्लियर हो गया अच्छे से हम लोगों को कि पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्ट करेगा, गुड फेथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो जस्टिफाइड होना चाहिए बाय लॉ, या खुद को बिलीव कर रहा है कि जस्टिफाइड है मेरे द्वारा किया गया एक्ट, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो उसको 79 सेक्शन का डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 80 पे, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 80 की लेक्चर के लास्ट सेक्शन पे, दैट मींस कि सेक्शन 80 क्या कहता है। दोस्तों सेक्शन 80 को समझने से पहले आप ये केस लॉ समझ लीजिए जो है जगेश्वर वर्सेस इंपीरियर का। इस केस में क्या होता है कि ए और बी के बीच में फाइट हो रहा होता है, ठीक है, ए और बी के बीच में फाइट हो रहा होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइटिंग बी की वाइफ जो है इंटरप्ट करती है, ठीक है, बी की वाइफ इसमें हस्तक्षेप करती है ताकि ए और बी के बीच में जो लड़ाई हो रहा है वो रोका जा सके। लेकिन लड़ाई रुकता नहीं और ए जो है एक फाइट जो एक ब्लो देता है इस डब्ल्यू को, दैट मींस बी की वाइफ को। उसके वाइफ को लगता है, फिर भी उसकी वाइफ हटती नहीं है ताकि दोनों के बीच का झगड़ा शांत हो सके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है कि यहां पे डब्ल्यू जो वाइफ है उसके पास एक 2 महीने का बच्चा होता है गोद में, और बी ए जो है इस बात को नेग्लेक्ट करते हुए क्या करता है, फाइट चला देता है डब्ल्यू पे, और वो डब्ल्यू को नहीं लग के, दैट मींस की वाइफ को नहीं लग के बी का, उसके बच्चे को लग जाता है 2 महीने का, ठीक है, हेड पे। उससे क्या होता है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पे जब मामला ए के अगेंस्ट बन जाता है कोर्ट में, तो ए जो है डिफेंस लेने का कोशिश करता है सेक्शन 80 का, किस ग्राउंड पे, कि वो जो एक्ट किया है वो एक एक्सीडेंटल केस है, ठीक है, इसलिए उसको कन्विक्शन ना हो। तो कोर्ट बोलती है कि आप जो एक्ट किए थे, ठीक है, दैट मींस कि आपके द्वारा जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल है, क्या आपने उस एक्ट को बाय लॉफुल मींस किया था, क्या वो एक्ट जो है लॉफुल मैनर में हुआ था। तो ये सब बात जैसे फुलफिल्ड नहीं होता है तो एक्यूज दैट मींस ए को कन्विक्शन होना था और डिफेंस नहीं मिलता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया केस में। अब देखिए सेक्शन 80 क्या कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कोई एक्ट हुआ जो एक्सीडेंट है, अगर वो अगर दैट मींस कि जो एक्सीडेंट हो रहा है अगर कोई लॉफुल एक्ट करने में हुआ है तो उसका आपको डिफेंस मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए हम लोग पहले समझते हैं सेक्शन 80 का डिफेंस लेने के लिए एग्जैक्टली हमको कौन कौन सा पॉइंट है जिसको प्रूव करना होगा, दैट मींस कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है जनरल एक्सेप्शन के केस पे किसके पे किस पे होता है, तो एक्यूज्ड पे होता है। इसके लिए हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 देखते हैं। तो एक्यूज्ड को सेक्शन 80 का डिफेंस लेने के लिए देखिए कौन कौन सा पॉइंट है जिसको प्रूफ करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां एक पॉइंट और नोट कीजिए, जब बर्डन ऑफ प्रूफ का बात आ गया है कि देखिए जब प्रोसिक्यूशन पे ऑफेंस को प्रूव करने का बात आता है तो यहां पे प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, ठीक है, लेकिन ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो है ऑफेंस का प्रूव करना होता है। लेकिन एक्यूज अपना डिफेंस ले इसके जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज पे वो होता है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड, तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। एक्यूज को हर एक कंडीशन को फुलफिल करना आवश्यक नहीं, बट एक डाउट क्रिएट अगर एक्यूज कर दिया जज के माइंड में तो भी उसको डिफेंस मिल जाता है, क्लियर। ये हो गया एविडेंस के दृष्टिकोण से जो पॉइंट था बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके। अब ये 680 का डिफेंस चाहिए एक्यूज को, तो एक्यूज को कौन कौन सा कंडीशन इसको फुलफिल करना होगा। पहला कि जिस एक्ट को लेके जो एक्ट एक्यूज कह रहा है कि वो एक्ट एक्सीडेंट है या मिसफॉर्च्यून होना चाहिए। पहला कि एक्यूज क्या कहता है कि उसके द्वारा किया गया एक्ट क्या है, एक्सीडेंट है या मिसफॉर्च्यून है। देखिए यहां 2 शब्द इस्तेमाल होंगे, एक्सीडेंट और दूसरा मिसफॉर्च्यून। अब देखिए जब लोग लीगली बात करते हैं तो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून दोनों ही अलग चीज होता है। अब एक्सीडेंट में क्या होता है ये समझिए कि जो व्यक्ति एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के केस में इंजुरी सिर्फ उस व्यक्ति को होता है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर। एक्सीडेंट केस में इंजुरी सिर्फ एक व्यक्ति को होता है, किसके अगेंस्ट, और वो किसको होता है, तो जिसके अगेंस्ट एक्ट हुआ है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मिसफॉर्च्यून का, तो मिसफॉर्च्यून में क्या होता है कि
व्यक्ति जिसने एक्ट किया और जिसके अगेंस्ट एक्ट हुआ, जिस व्यक्ति के दोनों को ही इंजुरी होती है, ठीक है। तो मिसफॉर्च्यून में इंजुरी दोनों को होती है, एक्सीडेंट में इंजुरी एक को होती है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लॉ पॉइंट ऑफ व्यू होता है दोनों में के बीच में अंतर, लेकिन लिटरली जो है क्या है, एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून को एक ही मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक लॉ स्टूडेंट के होने के नाते दोनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड सेक्शन 80 का डिफेंस ले रहा है, तो पहला पॉइंट उसको प्रूव क्या करना है, वो जो एक्ट किया है वो एक एक्सीडेंट है या फिर एक मिसफॉर्च्यून है, ठीक है। अब देखिए जो एक्ट जो हुआ है जिसको वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून का नाम दे रहा है, वो होना चाहिए विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, दैट मींस कि वो जो एक्ट हुआ है उसके पीछे ना तो कोई क्रिमिनल इंटेंशन था ना ही कोई क्रिमिनल नॉलेज था, ठीक है, क्लियर। दोस्तों इस पॉइंट में थोड़ा रुक जाइए, सेक्शन 80 जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो क्या है कि कोई भी एक्ट खुद में ऑफेंस नहीं होता जब तक उस एक्ट को किया नहीं जाए विद क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। दैट मींस जिस मैक्सिम पे ये जो पॉइंट है बेस्ड जो हमने अभी कहा वो है एक्टस नॉन फेसिट रेयम निसि मिंसिट रिया, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे सेक्शन 80 बेस्ड है, क्लियर। अब तीसरा जो पॉइंट जो प्रूव करना होगा एक्यूज्ड को वो क्या है कि जो एक्सीडेंट है वो हुआ है कैसे, तो बाय लॉफुल एक्ट हुआ है, दैट मीन जो एक्ट जिसको एक्यूज एक्सीडेंट का नाम दे रहा है वो लॉफुली हुआ है वो एक्ट, ठीक है, और किस मैनर में हुआ, तो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, और जो मींस यूज हुआ उस एक्ट को करने के लिए वो भी लॉफुल होना चाहिए, क्लियर। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर वो एक्ट हुआ है, ठीक है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन, दैट मीन्स उचित केयर और सावधानी बरती गई है उस एक्ट को करने को लेके, ठीक है, और एक्ट हुआ है बाय इन लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मींस, ठीक है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और अगर वो एक्ट एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून की कैटेगरी में आया है तो फिर सेक्शन 80 का डिफेंस एक्यूज्ड को मिल जाएगा, क्लियर। तो यहां पे दोस्तों एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पे क्या कह रहा है कि एक्ट होना चाहिए, एक्ट लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी दोस्तों अगर एक्सीडेंट हुआ है बाय अनलॉफुल एक्ट तो भी एक्यूज को डिफेंस मिल जाता है, बट शर्त क्या है कि जो रिजल्टिंग हार्म है और जो अनलॉफुल एक्ट है उसके बीच कोई प्रोबेबल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ए है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक्ट अनलॉफुल भी हुआ तो भी डिफेंस मिल जाएगा एक्सीडेंट का एक्यूज को, वो कब, देखिए ए और बी मिल के गया शिकार पे, क्लियर, शूटिंग पे गया। अब हुआ क्या कि ए को लगा कि पीछे जो है कोई जिसको शिकार किया जाना था, कि कोई डियर है, ठीक है, कोई भेड़ बकरी है जिसका शिकार करना था दोनों को, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, घास के पीछे उसको लगा कि भेड़ बकरी है जिसका वो शिकार करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में कौन था उसके घास के पीछे, तो झाड़ी के पीछे बी था, लेकिन ए गुड फेट में था, ठीक है, तो वो क्या किया, उसके पास जो बंदूक था उससे वो गोली चलाया जिससे कि बी को गोली लगने से बी की मौत हो गई। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि जिस बंदूक से गोली चला है वो बंदूक अनलाइसेंस्ड है, तो यहां पे उसके द्वारा एक्ट क्या माना गया, अनलॉफुल माना गया, एक्ट अनलॉफुल है, लेकिन उस अनलॉफुल एक्ट से एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट में ही डेथ काउज हुआ है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ए को बी के डेथ का सजा नहीं सुनाया, क्यों, क्योंकि ए के द्वारा जो एक्ट हुआ, ठीक है, और उस एक्ट से जो बी का डेथ हुआ उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, ठीक है, कोई प्रोबेबल रिलेशन नहीं था। हाँ, ए को इस बात का सजा मिलेगा आर्म्स एक्ट के तहत कि उसने अनलाइसेंस गन का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको इस बात का सजा नहीं मिलेगा कि उसने बी की हत्या करी है, क्लियर, जबकि यहां पे ए के द्वारा किया गया एक्ट अनलॉफुल था, अनलॉफुल मैनर में हुआ था, लेकिन फिर भी वो बच गया ये, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोबेबल रिलेशन नहीं था, कंसिक्वेंस नहीं था, एक्ट जो ए के द्वारा हुआ है उस एक्ट से जो कंसिक्वेंस अराइज हुआ उसके बीच में, क्लियर, समझ में आ गया कि अगर 80 सेक्शन का डिफेंस लेना है कि उसको तो इन सभी बातों को फुलफिल करना होगा। तो दोस्तों अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया सेक्शन 77 को, डिटेल में जाना 78 79 80 को डिस्कस किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्शन 80 में हम लोगों ने एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून को लेकर अंतर समझा, और यह भी समझा कि अगर एक्यूज्ड डिफेंस लेता है सेक्शन 80 का तो बर्डन ऑफ प्रूफ हर फैक्ट को प्रूव करने का एक्यूज्ड पे होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 105, ठीक है।
तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।